और आप ही बैठ जाओ, आप ही वाले आपको जो तकलीफें हो रही हैं उसको मैं समझ रहा हूँ। आप जितनी तकलीफ में आज छठा दिन है ना, कल भी मैं आपके बीच में आया ही था जी, और आप लोगों के साथ हमने आपकी आवाज में आवाज भी मिला। इसके लिए आप आ गए आपसे बात करने के बाद जब मैं यहाँ से गया तो आपकी सारी बातें अपने जितेंद्र सिंह जी को जो DOPT मिनिस्टर हैं उनको बताई। हमारे बताने से पहले भी कुछ लोगों ने उनको बातें बताई थी, मैं कुछ भी सब पारदर्शी रखना चाहता हूँ कुछ भी। अब जो भी लोग थे उन्होंने आपकी बातें बताई थी, ये ठीक है कि मैं दिल्ली BJP का अध्यक्ष हूँ, MP हूँ, तो मेरे बताने के कारण उनको इस बात को गंभीरता से लिया उन्होंने। उसके बाद चालू बात चालू का रे, शांत रहो यार, कमाल है। हेलो, ठीक है। उसके बाद भाई तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभी का एक ही कहना है, ANI से एड्रेस करते हुए लाइव क्योंकि मैं आपसे मिलने आया था और आपसे मिलते ही मैंने आपकी बात में हाँ में हाँ कर दिया। मैं किसी से पूछने नहीं गया कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। आपकी आपकी डिमांड को हमने सपोर्ट कर दिया बिना किसी को संपर्क किए, क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी पे भरोसा है। सीधी सी बात है। तो मैं अभी फिर मैंने कल आपको बताई है, कल एक ट्रिप उसमें सारा देश खो गया, उसमें हम भी उसके कारण आपके बीच में आ नहीं पाए। अभी सवेरे सवेरे फिर हमने HM सर से बात किया, गृह मंत्री जी से बात किया, और आपके यहाँ से कुछ लोग मुझे फोन पे SMS करके यहाँ जब आने के लिए बताए थे कि हम लोग इस तकलीफ में हैं, तो उन्हीं नंबरों पे हमने SMS किया कि आप लोग 4-5 लोग आ सकते हो मेरे पास। अभी HM सर मिलने, हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो आपके यहाँ से कुछ लोग हमारे पास आए। कौन कौन लोग आए जी सर? जो भी हो आ जाओ। एक ये थे, हम जानते नहीं इन लोगों में से, करीब 8-9 लोग आए थे, 8-9 लोग आए थे। इनको हम 4 लोगों को अंदर लेके गए, गृह मंत्री जी से मिलवाए। इनके मुंह से वो सारी बातें कि किस प्रकार से धांधली हो रही है पिछले कई वर्षों से, और ये जो लगातार जो रिसेंट आपके साथ घटना घटी है, वो सारी बातें HM सर को खुद आप ही के बीच से, 4 लोग हम उनको नहीं जानते क्योंकि वो यहीं मिले, यहीं हमको बुलाए, उनके साथ गए। अभी हम आपके साथ फिर वैसे ही खड़े हैं। हमने HM सर भी हमारी बात को बहुत अच्छे से सुने, गंभीरता से सुने, और उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमसे कहा कि थोड़ी देर रुको, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं तुरंत बता रहे हैं। तो मैं एक तो इन लोगों को पहुंचाने भी आ गया, ये लोग कुछ लोग पैदल गए थे तो पहुंचाने आ गया, और मैं आपके बीच में ही हूँ, आपके बीच में हूँ। और हम
हम आप लोगों से सिर्फ इतना ही बताना, इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब जब हम लोगों की ऐसी कोई पीड़ा आती है, करप्शन की बात आती है, तो इसमें कुछ लोग बिना वजह एक अलग लाइन लेके कुछ और सोचने लगते हैं। हमें उसमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। करप्शन के खिलाफ ये सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है आज के आज इस केस में कोई ना कोई फैसला आएगा। मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी को भी बता दिया है और आज हमने गृह मंत्री जी से भी मुलाकात कराई। इस मामले में गृह मंत्री जी बहुत चिंतित दिखे और उन्होंने हमें इसमें कुछ करने का भरोसा दिया, तो अब हम इंतजार कर रहे हैं और हम इन बच्चों के साथ लगातार खड़े हैं। हमारा एक लाइन का मंत्र है कि कोई भी करप्ट हो वो बचेगा नहीं, जो भी दोषी हो उसे पनिशमेंट मिलेगी, निष्पक्ष जांच होगी। सर आप सर मेट्रो स्टेशन बंद है, उसको बनाया है। मैं इनके साथ हूँ ही, मैं इनके साथ ही हूँ, मैं धरने पे नहीं बैठा हूँ बट इनकी समस्याओं के साथ हूँ। मैं आशा करता हूँ, मैं पूरी डिमांड कर रहा हूँ कि कैमरे के आगे आ रहे हैं यार, निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाना चाहिए। हम परमिशन नहीं देंगे, हम बच्चों ने ट्राई किया था, उन्होंने बोला हम परमिशन नहीं देंगे, मेट्रो स्टेशन यहाँ के बंद है सर, वॉशरूम से आगे बंद है सर, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसको क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है ना? वॉशरूम से मेट्रो लेके जो आए हैं ऑटो वाला उसके साथ गाड़ी से जा रही है। मैंने भी बोला है कि उसकी व्यवस्था को चलवाओ, ये बच्चे सभी शांतिपूर्ण की है, यहाँ पे किसी प्रकार की डर भय की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जायज है, आपकी मांग जायज है, तभी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वॉशरूम वाला आप जल्दी से जल्दी करवाइए जांच करवाना, और एक्चुअली बोला और करवाने में काफी डिफरेंस है, कब तक जांच है, कब तक बच्चों को सफर करना पड़ेगा। हम भी इनकी तरफ से खड़े ही हैं, हम किसी से डिमांड ही कर रहे हैं। सर पहले यहाँ रात को सोने के लिए बच्चों को बदले लाने की फैसिलिटी हो गई थी, अब पुलिस वाले 3 दिन से फोन नहीं ले रहे हैं, बच्चे रात को यहाँ फोन पे ही सो रहे हैं। सर बार बार पुलिस वाले ये कहते हैं हम गाड़ी जांच करेंगे, यहाँ से हटो, बार बार किसी किसी को बुला बुला।
अभी वो वॉशरूम भी खुलवाता हूँ, मेट्रो भी खुलेगा, सब कुछ होगा। कितनी बना होनी ही चाहिए और हम इनके साथ हैं, इनके साथ हुआ कहाँ है हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन चूंकि जब कोई किसी चीज की डिमांड करते हैं तो उसमें जो डिसीजन आना होता है उसमें आज आना ही चाहिए, ऐसा इसी आज आना चाहिए। तो माने कि आज शाम तक बच्चों को राहत मिल जाएगी? बिल्कुल, हम समझते हैं कि हम इसी मांग के लिए खड़े हैं कि आज इसका निपटारा हो। राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया आपको आपके लिए? वो अभी उनको हमने बात बता दी है और हम इस बात के साथ बच्चों के साथ खड़े हैं कि आज की आज कुछ फैसला हो, आज कुछ फैसला हो। ये बुलाया हम तो मिलेंगे, कोई अपडेट नहीं है। अरे बेटा हमें नहीं करना है, हम आपके साथ खड़े हैं, 10 दिन भी खड़ा रहना पड़ेगा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। मनोज सर एक मिनट, फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। और सर लेकिन सर एक क्वेश्चन, हम यहाँ खुद बच्चों के पास आ चुके हैं कि इसका निपटारा करें, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में खुद बच्चों के साथ खड़ा हुई है। सर एक क्वेश्चन, क्या बोलने वाले हैं राजनाथ जी से, क्या ऐसा कोई बच्चों के लिए सब जाएगा इसको? हाँ वो बुलाएंगे तो फिर जाएंगे ना, हमको सारी चीज के लिए हम यहाँ तैयार हैं। बस कल को मंडे है, मंडे है, कल तक जाँच शुरू हो जाएगी या आज ही आप कोई क्विक एक्शन लेने का सोचा? हम तो इसके साथ खड़े हो गए हैं, जब तक नहीं होगा तब तक हम यही, हम नहीं जाने वाले। सर एक क्वेश्चन, सर 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 वन क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन, सर 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 यहाँ आप Thank you.
हम इसे कुछ लोगों ने पूछा किसी ने पूछा कि आप कब तक यहाँ हो। मैं यहाँ अब तब तक हूँ जब तक सीबीआई इंक्वायरी की कहा तो बैठ जाइए। हमने कहा मुझे बैठने मत दो, कभी मुझे किसी से बतियाना पड़ रहा है, कभी किसी से बतियाना पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ से वहां तक तो जाने देंगे ना। और हम जो आप लोगों की बात अब तक समझे हैं, जो हमने अभी आप लोगों के साथियों के साथ होम मिनिस्टर साहब से मिले, जो डीओपीटी मिनिस्टर से मिले, उन्होंने हमसे कई बार कहा कि क्या इसका कोई और रास्ता है। हमने स्पष्ट कहा इसका सीबीआई इंक्वायरी के अलावा कोई रास्ता नहीं। और मैंने ये भी कहा ये मुझसे मत पूछिए, ऐसा मत कहिएगा कल की मनोज तिवारी खुद ही तुम कर दिए। ये यहाँ के बैठे लोगों की बात है कि सीबीआई इंक्वायरी ही तो हम भी ये मांगते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होते ही सारी चीजों का निदान आ जाए। एसएससी में पिछले 5 साल में 10 साल में क्या हुआ, जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तो हर उस घटना की जानकारी लेनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों के बिहाफ में इतना कह सकता हूँ ना कि आप सीबीआई इंक्वायरी घोषित करो, हम बच्चों के यहाँ से शांतिपूर्वक ले जाएंगे। भाई बहन, मैं भी अभी कोई बुढ़ा नेता नहीं हुआ हूँ, आप इसलिए मुझे उस लीला में मुझे मैं अपने को शामिल समझ रहा हूँ। अभी हमारे और भी साथी मुझे फोन कर रहे हैं, जैसे अभी मुझे थोड़ी देर पहले हमारे एक सांसद प्रवेश वर्मा का फोन आया, तो मैंने कहा आ जाओ इन बच्चों के साथ, आप बोले समर्थन में खड़े हैं, होना ही चाहिए। तो अब हम एक ही सांसद नहीं बचे, अभी मेरे पास वो एक मीनाक्षी लेखी जी का भी फोन आ गया कि मैं भी आती हूँ, मैं भी समर्थन में हूँ। मैं कई लोगों का समर्थन जुटाने में लगा हूँ, जिससे हम बता सकें कि जो ये बच्चों के तख्ती पे लिखा हुआ है जिसके खिलाफ शिकायत है उसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। बड़ी जांच का मतलब तो मैं आप लोगों के तरफ से बात कर सकता हूँ ना, क्योंकि हम लोगों को ऐसा ना हो कि मैं बाद में जाके बात करूं और फिर उसके बाद कुछ और माने उठ जाए, कुछ और हमारी पोजीशन स्टूडेंट की। मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ, ये भैया सुनो ना, सीबीआई इंक्वायरी लिखित नहीं होती है यार। अरे जब अच्छा ठीक है और टाइम भैया बैठो बैठो यार बैठो। भाई सीबीआई इंक्वायरी जब घोषित होगी तो जो संस्थाएं हैं उन एजेंसी के मार्फत ही घोषित होगी। यस सर। और बैठ ले यार कमाल, बैठो सवाल सुनो मेरा भैया। देखो मेरी प्रार्थना है इस प्रॉब्लम को राजनीति से ऊपर रखने की जरूरत है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं दिल्ली का एक सांसद हूँ और दिल्ली एक पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ,
और हमारी हम जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं उसी पार्टी की सरकार है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे बढ़ के आपकी समस्याओं के लिए बात करें। और हमें इससे कोई डर भी नहीं है, कोई कह देगा तो वैसे क्यों बिना चर्चा किए बात कर लेते हो, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है मेरा प्रधानमंत्री ईमानदार है, इसलिए जो भी बात नहीं होती है। तो हमारा एक लाइन है दोस्तों, दोषी जो भी हो वो पनिश होना चाहिए, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनसे अन्याय, यही बात है ना। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से मुझे 5-6 लोग मिले और अभी मैं आप सबके तरफ से यही मांग ले करके एक बार हम SSC वाला गाड़ी करेगा। तो आप लोगों के तरफ से मुझे सर उनको यही बुलवाइए, जो भी 6-7 लोग तो बहने भी हो और बाकी बच्चे हो, बीच में बुलाइए, जो भूख होगी बीच में आके जवाब दें। अरे हम तो कह रहे भैया, हम तो हमारी डिमांड है कि जो हो आज हो, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ इस पूरी समस्या किसी भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। ये SSC के एग्जाम जो परीक्षा देने वाले हैं, देश के नौजवानों की प्रॉब्लम है और उसको मेरी बात सुनिए। हम लोगों को मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इतनी डिमांड उमंड रख दो कि कुछ भी ना, मेरी बात समझो। देखो भैया, मैं बहुत साफ साफ बात करना चाहता हूँ, CBI इंक्वायरी जब होगी तो उसमें कौन सा पॉइंट बचेगा, क्या कोई बचेगा क्या? CBI इंक्वायरी के बाद जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए वो व्यवस्था भी होगी, इसका तो हमें भरोसा रखना चाहिए। जो भी दोषी हो उसको सजा हो और जो अन्याय हुआ जिसके साथ अन्याय हो उसका, मैं एक ही आप लोगों की बात जो समझा हूँ जिसको लेकर के जाना चाहता हूँ आगे, कि हमको इस केस में CBI इंक्वायरी घोषित करें आज। आप लोग इसमें साथ हैं ना हमारे, एक बार दोनों आप लोग बताओ हमारे साथ, हम इन लोगों के साथ चलते हैं और हमारी पूरी कोशिश है दोस्तों। मुझे बहुत राजनीति आती भी नहीं है, पता नहीं कब तक करता हूँ, मैं अभी नहीं पता, लेकिन मैं साफ दिल के लिए आप लोगों की समस्या को लेकर चलता हूँ और मुझे 6 लोग जो भी आप लोग डिसाइड कर लो वो मेरे साथ चलो। मैं अभी पहला एक स्टेप लेना चाहता हूँ, SSC ये ना बोले कि कुछ भी करने से पहले हमसे नहीं मिले, तो मैं SSC चेयरमैन के पास थोड़ी देर में समय लेके जाना चाहता हूँ, हमको एक 5-6 लोगों के साथ और आप लोग, मैं आपके साथ हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, जब तक नहीं आता हूँ अपने देखिए, इन बच्चों की जो शिकायत है हम उस शिकायत के साथ किसी के साथ अन्याय न हम करेंगे न होने देंगे। इन बच्चों की डिमांड है जो पेपर लीक हुआ है SSC के एग्जाम से और जो भ्रष्टाचार के आरोप है उस पे ये लोग CBI इंक्वायरी चाहते हैं। मैं समझता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री वो करप्शन के सबसे खिलाफ सर के कान में भी डाल दिया, सर के भी कान में डाल दिया, डाल दिया, उनका भी एक लाइन का होता है कि हमको जो करप्ट लोग हैं उनका पता चलना चाहिए और उनको पनिश होना चाहिए, बिल्कुल सर, जो भी बड़ी से बड़ी जांच हो होनी चाहिए। सर हिंदी जो मैंने यहाँ के लोगों की डिमांड भी बताई कि ये सब
करप्शन सिद्ध हो गया। पहली बार इस देश में इतिहास में ऐसा होगा कि जैसे ही बच्चों की पीड़ा हुई, भले ये सरकार का कोई डिपार्टमेंट ही क्यों न हो, हम किसी का भी करप्शन बर्दाश्त करने वाले नहीं है। साफ तौर पर यह ऐलान है कि जब तक छात्रों की जो मांग है तब तक वो नहीं मानी जाती, तब तक वो भी छात्रों का इसी तरीके से साथ देते रहेंगे और उसकी हिमायत कर रहे हैं। छात्रों की इस मांग को सुनाया है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच चलो मेरे साथ आ जाओ, उसमें कोई थैंक यू सर, आ जाओ जी मैं आता हूँ। आगे चल जाओ, बता दो हम अभी आ रहे हैं इनके पास मिलने। जैसे कि मनोज सर ने कहा कि जो हेड हैं असीम खुराना उनसे मिलने जा रहे हैं सर, उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट में आकर के यहाँ बैठेंगे। सर जन दो दो साहब